सीबीएसई के आंदोलन करने वाले लोगों को, छात्रों को उन्होंने मनुवादी तक कहने का काम किया। अब माननीय मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि वो मनुवादी का मतलब क्या होता है। जो सड़क पे छात्र हैं उनके लिए उनका कहना है, जिन छात्रों को फेल कर दिया गया उनके लिए कहना है, या जो छात्र खतियान लेकर के आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए कहना है। आज बड़ा ही दुर्भाग्य का बात है कि झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री बाहरी भीतरी मनुवादी स्मृतिवादी कह करके सच्चाई को छुपाने का काम और झूठाई को सच साबित करने का काम कर रहे हैं। काफ़ी दुख होता है कि एक मुखिया को इस तरह से बयान देना काफ़ी शर्मनाक है, जहां वो छात्रों को बाहरी कह करके संबोधित करते हैं, वहीं उनके मंत्री छात्रों को भाड़े वाले कह करके संबोधित करते हैं, जबकि 2.5 लाख लोग और उसके परिवार आज इस आंदोलन से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए। जेपीएससी में गड़बड़ी हुई है, मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं इस बात को अपने वक्तव्य में कि कई बार गड़बड़ियां हुई हैं, सीबीआई जांच हुआ है। आपको ये बताना चाहिए कि 49 लोग पास कैसे हुए और पास हुए तो फेल कैसे हुए, इसका मतलब गड़बड़ी हुई है। अब गड़बड़ी हुई है तो आप उसको जाँच नहीं करा करके आप उसको जाँच को सफाई देने में लगे हुए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह लड़ाई यहाँ ठहरने वाली नहीं है। जैसे रूपा तिर्की का सीबीआई जांच कोर्ट में दिया है, वैसे ही आने वाला समय में जेपीएससी का भी जांच कोर्ट जाना होगा, तो हम लोग जाएंगे और सीबीआई जांच इंक्वायरी होगी। और आपके जितने सिपा सलाहकार हैं, जिन लोग आपके संरक्षण में ये गड़बड़ियां कर रहे हैं, उनके जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। झारखंड को हम लोग लूटने नहीं देंगे। आज एक विषय और हम लोगों ने उठाया है, प्रमुखता से मैंने कहा है कि झारखंड में ब्लड के ऊपर टैक्स लगाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूँ, और झारखंड सरकार ने नारा दिया है कि तुम मुझे खून दो मैं उस खून को बेचूंगा, और बेच करके जो टैक्स का पैसा जमा होगा उससे मैं निकम्मा मंत्रियों के लिए फॉर्चूनर खरीदूंगा। आज यह बात मैंने सदन में बोला, और यह सरकार ब्लड से जब तक टैक्स नहीं हटाती है, यह नया आंदोलन भी हम लोग इसको लेकर के सदन में रहेंगे और टैक्स को समाप्त करना होगा। जनता को इस तरह से ये लूटेंगे हम लोग नहीं होंगे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।